हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधवी और आज का जो वीडियो है ये सिविल इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे कॉल करके बोला कि माधवी तुम हर एक ब्रांच के लिए कुछ ना कुछ अपलोड करी है, सिविल ब्रांच के लिए भी कुछ कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, बता देती हूँ सिविल ब्रांच के लिए भी, क्योंकि मेरी फ्रेंड की जो जूनियर्स हैं वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम वो आपकी फ्रेंड है, आप उनसे कहिए। तो मैं वो मुझसे फिर कॉल करके बोली यार सिविल वाले के लिए भी डाल दो, बहुत सारे बच्चे परेशान है। तो ठीक है, फिर ये सिविल ब्रांच वालों के लिए है। यहाँ पर मैं आपको 7 सेमेस्टर के पेपर आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। बहुत से बच्चों का मैथ के लिए भी डाउट था कि मैथ का पेपर नहीं मिल रहा है और उसके लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसकी वीडियो मैंने कल रात में ही अपलोड कर दिया था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप मेरे प्ले लिस्ट पे जाके वहां से चेकआउट कर सकते हो, वहां पे आपको उसके पेपर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सिविल इंजीनियर की बताने वाली हूँ। सिविल इंजीनियर में एक ह्यूमन वैल्यू भी है, तो उसकी तो मैंने सर मैकेनिकल में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो मैकेनिकल वाली जो वीडियो होगी ना, आप वहां पर जाके ह्यूमन वैल्यू का देख सकते हो पेपर। यहाँ पर मैं टोटल 4 सब्जेक्ट का है, उनको मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। जो पहला है वो मेरा डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर है, सेकेंड है जियोलॉजी एंड सॉइल मैकेनिक्स, थर्ड है रेलवे एयरपोर्ट एंड वाटरवेज, फोर्थ है हमारा वाटर रिसोर्सेज। तो ये 4 पेपर के बारे में मैं इस वीडियो में आपको पेपर प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो पेपर मैंने दिया है वो वाटर रिसोर्सेज का है। इसका पेपर कैसा आएगा मैं जूम करके दिखा दे रही हूँ। और ये ना पिछली बैच का ही है, यानी कि 1920 बैच का है, 1920 बैच 7 सेमेस्टर। यहाँ आपको पेपर आईडी भी दिया हुआ है। ये सारी चीजें मैंने मैच करके ही प्रोवाइड कर रही हूँ कि सारी चीजें सच में सही है कि नहीं है, वो सारी चेक करके उसके बाद से मैं आपको ये पेपर प्रोवाइड करती हूँ। तो ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप पेपर एक बार जरूर देखना, अगर आप पढ़ते हो पेपर से अगर आपको क्वांटम नहीं मिल पा रहे तो एटलीस्ट आप पेपर से जरूर हेल्प ले लो। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो उससे आपको ना प्रिपरेशन करने में बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। तो इस वजह से मैं आपको ये पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ, अदरवाइज और कोई रीजन नहीं था मुझे आपको पेपर प्रोवाइड करने का, तो यही एक रीजन है ताकि आप लोग का बेस्ट हो। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। यहाँ सेक्शन ए में टोटल 7 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले पेपर में भी बता चुका है, किसी वीडियो में मैंने बताया कि कैसे आपको पेपर लिखने हैं। तो आप सिविल वाले हो, टाइम श्योर आप वो वीडियो तो नहीं देखी होगी, यहाँ पर मैं बता देती हूँ। जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश करिएगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन के जो आंसर हो वो 4 to 5 लाइन के हों, 4 से 5 लाइन में उसके आंसर आप दें। टोटल 7 क्वेश्चन होंगे फर्स्ट सेक्शन में, सेकेंड सेक्शन में आपके टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और 5 में से आपको 3 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सेक्शन बी का मैं दिखा रही हूँ, आप इनके स्नैपशॉट ले लीजिए। आई होप सेक्शन ए का आप ले चुके होंगे, सेक्शन बी का स्नैपशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आपको टोटल 5 क्वेश्चन है जिसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर भी आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन जो है आपके 7 नंबर के हैं, तो कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम 3 पेज, मिनिमम 2 पेज आप लिख सकते हो आंसर, बट कोशिश करिएगा मैक्सिमम 3 पेज इसके आंसर आप लिखें। ठीक है, तो ये आपके हो गए। थर्ड सेक्शन सी जो पार्ट है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर जो सेक्शन सी का जो थर्ड क्वेश्चन है वहां पर 2 पार्ट दिए, दोनों में से कोई 1 क्वेश्चन आपको करना है, तो दोनों में से आप जो भी कर लो स्नैपशॉट ले लो। यहाँ पर भी सेम है, 7 नंबर के हैं, तो आप मैक्सिमम 3 पेज, मिनिमम 2 पेज आप इसके आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में भी आपके 2 ऑप्शन दिए, 4th, 5th एंड 6th, तीनों आप देख लो स्नैपशॉट ले लो। यहाँ पे आपके 4th में भी 2 क्वेश्चन है, 5th में भी 2 है, 6th में भी 2 है, 2 है, दोनों में से कोई 1 क्वेश्चन करना है, 1 क्वेश्चन 7 नंबर का, तो नॉर्मल सी बात है 3 पेज के आंसर, मैक्सिमम मिनिमम 2 पेज। ओके, 7th क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ, आप इनके स्नैपशॉट ले लो। तो ये टोटल आपके हो गए वाटर रिसोर्सेज के क्वेश्चन पेपर। उसके बाद आते हैं सेकेंड, इसे मैं कर दूं क्योंकि मैं एक वीडियो बनाई हूँ तो उसका था ये। ओके, ये आ गया हमारा रेलवे एयरपोर्ट एंड वाटरवेज का, इसे जूम कर दे रही हूँ, स्नैपशॉट लेने में आप लोग को इजी हो। यहाँ पर भी सेक्शन ए में 7th क्वेश्चन है, आप लोग स्नैपशॉट ले लो, बाकी जो चीजें मैंने प्रीवियस पेपर में बताई कैसे आपको लिखना है वही सारी चीजें यहाँ पर भी फॉलो करिएगा आप लोग। उसके बाद से सेक्शन बी है जिसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद से सेक्शन सी है, स्नैपशॉट आप सेक्शन बी का ले लो। उसके बाद सेक्शन सी में आपको दिखाती हूँ, सेक्शन सी का पहले इतने का स्नैपशॉट ले लो, फिर आगे मैं दिखाती हूँ। इनमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों में से कोई 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन सी हो जाएगा। इसके बाद से आपका आता है 6th एंड 7th क्वेश्चन, इसमें भी सेम पैटर्न है, आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे, दोनों में से कोई 1 क्वेश्चन आपको करना होगा।
ठीक है, तो ये सेकेंड पेपर हो गया। इसके बाद से हम आते हैं थर्ड पेपर पर, जो कि जियोलॉजी एंड सॉयल मैकेनिक्स का है। जूम कर देती हूँ। यहाँ पे जो सेक्शन ए है, ये सारे पेपर जितने भी मैं दिखा रही हूँ सब 1920 बैच के हैं। अगर आपको इसके अलावा भी इससे ही पहले के यानी कि 80-90 या 70-80 बैच को चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस बैच का आपको पेपर प्रोवाइड कर दूंगी। फिलहाल अभी आप ये ले लीजिए, जैसा होगा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको पेपर प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ सेक्शन ए है, स्नैपशॉट ले लो आप। उसके बाद सेक्शन बी दिखाती हूँ, 5 क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद से आपका है सेक्शन सी। सेक्शन सी में पहले इतना ले लो, फिर मैं 7th वाला क्वेश्चन दिखा रही हूँ आपको, इतना स्नैपशॉट ले लो। इसके वजह से मैं इसके बाद का दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक ही करना है। उसके बाद से आपको ये 7th क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड पेपर। उसके बाद लास्ट जो है डिजाइन का है, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स 3। तो इसका पेपर है, मैं इसे जूम कर रही हूँ, 1920 बैच, सेक्शन ए, 7th क्वेश्चन रहेंगे। 7 की 7 आपको करने हैं, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। पुराने पैटर्न है, जैसे मैंने पहले पेपर में बताया था वैसे ही आपको लिखिएगा। उसके बाद सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपके टोटल 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद से आपके आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है, इनके स्नैपशॉट आपको ले लो। उसके बाद मैं दिखाती हूँ 4th क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ फिगर है जो कि अच्छे से विजिबल नहीं है, तो मैं अगर इसका क्वांटम मुझे अरेंज हो जाता है तो मैं आपको क्वांटम प्रोवाइड कर दूंगी, तो उससे शायद आपको और भी ज्यादा हेल्प मिल जाए। फिलहाल अभी तो आप क्वेश्चन से काम चला लो, जैसे ही मुझे जो भी क्वांटम मिलेगी मैं वो क्वांटम आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी, उसकी वीडियो बना के आप लोग को प्रोवाइड कर लूंगी, आप लोग वहां से अपना कर लेना। फिलहाल अभी आप पेपर देख लो, ठीक है, आपके पास बुक तो होंगी ही जिसे आप पढ़ रहे होंगे, या फिर कॉलेज के नोट्स या कहीं से भी, तो आपको नोट्स मिला ही होगा, टीचर लोग नोट्स प्रोवाइड किए ही होंगे, उसमें शायद आपको इनके आंसर मिल जाएं। ये 5th क्वेश्चन है, उसके बाद ये 6th एंड 7th, ठीक है, तो आप इनके स्नैपशॉट ले लो। तो गाइस सिविल वालों के लिए भी हो गया है, मैंने उनकी वीडियो प्रोवाइड कर दी है। अब इसके बाद CSIT के बच्चे बच रहे हैं, बट मुझे CSIT का ना सब्जेक्ट नहीं पता है कि उन लोग में कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आप CSIT के हो और या फिर आपका कोई फ्रेंड है CSIT में, तो अगर आपको चाहिए पेपर तो आप मुझे सब्जेक्ट कमेंट कर देना कि यार 7th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है, तो मैं उसके आपको पेपर प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।